नमस्कार मेरे दोस्तों, आज सरकारी नौकरी लॉग स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भिवाड़ी रिक्रूटमेंट फॉर 10 इंजीनियर एंड अदर पोस्ट। एमएसएमई टूल रूम भिवाड़ी हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर एंड अदर पोस्ट। देखिए, इसके आखिरी डेट ऑफ एप्लीकेशन है विद इन 15 डे, दैट इज 10 नवंबर 2018 फ्रॉम डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। अभी हम एमएसएमई की टूल रूम वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करेंगे। पहली पोस्ट का नाम है सीनियर मैनेजर, जिसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 1। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है वो लगता है डिग्री इन इंजीनियरिंग, जो कि हो सकता है फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। दूसरा है मैनेजर इन मैकेनिकल, तो इसके लिए जो क्राइटेरिया लगता है आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है डिग्री इन इंजीनियरिंग, दैट इज मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या तो फिर ऑटोमोबाइल, या आपको इक्विवेलेंट लगेंगे फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी। और इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी आती है 1। फिर रहता है मैनेजर इन मार्केटिंग, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग, दैट इज मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या इक्विवेलेंट डिग्री लगी है फ्रॉम अ गुड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी आती है 1। फिर असिस्टेंट मैनेजर ऑफ एडमिन एंड अकाउंट, यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है वो होता है कॉमर्स ग्रेजुएट और एनी ग्रेजुएट विद अ लॉ एमबीए, पीजीडीएम और या सीए, आईसीडब्ल्यू है या इक्विवेलेंट डिग्री लगी है आपको फ्रॉम अ गुड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। और नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए 1 आती है। फिर है सीनियर इंजीनियर इन ट्रेनिंग, इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो रहता है डिग्री इन इंजीनियरिंग, दैट इज मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल, या आपको इक्विवेलेंट डिग्री लगेंगे फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखिए, इसके लिए डिजायरेबल इंस्टीट्यूट बात करते हैं, जब इंस्टीट्यूट डिजायरेबल होता है पीजी या पीजी डिप्लोमा इन टूल, और नंबर ऑफ वैकेंसी रहती है 2। फिर इंजीनियरिंग इन ट्रेनिंग, यहाँ पे जो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो रहता है डिग्री इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल या इक्विवेलेंट डिग्री लगेंगे फ्रॉम गुड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। और नंबर ऑफ वैकेंसी आती है 2। फिर रहता है अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो रहता है डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ वैकेंसी रहती है 1। उसके बाद जो पोस्ट है वो है स्टोर ऑफिसर की, यहाँ पे आपको एक कॉमर्स में डिग्री लगेंगी फ्रॉम गुड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आती है 1। अभी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर एमएसएमई टूल रूम जॉब 2018। देखिए, आप अपने एप्लीकेशन के साथ ऑल अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट आप पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं टू द गिवन एड्रेस, द मैनेजिंग डायरेक्टर इंडो जर्मन टूल रूम P-31 MIDC इंडस्ट्रियल एरिया चिकलथाना औरंगाबाद, जिसका पिन कोड आता है 4310006 और ये महाराष्ट्र में आता है। विदिन 15 डे, दैट इज 10 नवंबर 2018 तक आपका मिल जाना चाहिए फ्रॉम अ डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। हमने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, क्लिकेबल लिंक, अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन PDF के फॉर्म में सेव हो जाएंगी। आप उस PDF को बिना नेट के कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर दी हुई जानकारी से आपको मदद मिली और आपको लगता है और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉब के बारे में, जॉब ओपनिंग के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको एक सूचना मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका समय देने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।